माँ वैष्णो देवी जी का तीसरा नवरात्र और जेके मीडिया की टीम माँ भगवती जी के भवन पे, माता वैष्णो देवी जी के भवन पे। सुंदरता आप देखिए, खूबसूरती देखिए यहाँ पर, और श्रद्धालु यहाँ पर आते हुए माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करते हुए। आइए अब हम आपको थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं, क्योंकि इस समय अगर बात की जाए, चाहे कोविड को लेकर लोग बीच में थोड़ा सा नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी अब लोग जो हैं ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से नवरात्रों में खास करके माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि माता वैष्णो देवी जी के इतने भव्य दर्शन जो हैं वो नवरात्रों में होते हैं। और आप ये देखेंगे जितनी खूबसूरती के साथ ये पूरा भवन सजाया गया है, ये दृश्य अपने आप में ही बड़े ही भव्य हैं। और मैं आपको बता दूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं, सब इस भव्य दृश्य को देख के काफ़ी मंत्रमुग्ध हो चुके हैं, और सिक्योरिटी के काफ़ी अच्छे पूरे यहाँ पर जो है इंतज़ाम है, पुलिस के पूरी तरह से इंतज़ाम, और श्राइन बोर्ड की तरफ से हर सुविधा दी जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि भवन में सभी लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए आ रहे हैं, और माँ भगवती ने चाहा तो जल्द ही कोरोना भी समाप्त होगा और ज़्यादा तादाद में जो है श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे। फिलहाल अभी थोड़ी सी यात्रा में कमी ज़रूर है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। आप सभी को तीसरे नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप इसी तरह से जेके मीडिया देखते रहें। हम आपको रोज़ाना माँ वैष्णो देवी जी के दरबार से एक वीडियो ज़रूर दिखाएंगे, और शेयर भी कीजिए। आशीष कोहली, माँ वैष्णो देवी जी दरबार से, जय हिंद, जय माता दी।